गौ तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए श्रीराम हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि धमतरी जिले में आए दिन गौ तस्करी तेज हो रही है। संगठन द्वारा कई बार गौ तस्करों को गाय के साथ रंगे हाथ आधी रात को धर दबोच कर पुलिस थाना लाया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा तस्करों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज गौ तस्करी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। संगठन के लोगों का कहना है कि जिसके परिणाम स्वरूप आज गौ तस्करी अपने चरम सीमा पर है। पहले तो आधी रात को गायों को नहर किनारे से जंगल के रास्ते उड़ीसा ले जाया जाता था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने पर तस्कर बेखौफ अब दिन दहाड़े भी गौ तस्करी कर रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई न होने पर आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में श्रीराम हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन कर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों को 48 घंटे के अंदर पूरा करने की मांग की गई, जिसमें मुख्य रूप से गौ एम्बुलेंस सेवा समिति से रूपेश राजपूत, श्रीराम हिंदू संगठन के संयोजक और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। आज क्या चीज को लेकर ज्ञापन सौंपा? आज गौ बढ़ती गौ तस्करी और जो 8 महीने से गौशाला में धमतरी जिले के सभी गौशाला में शासन प्रशासन द्वारा यानी जो चारा की व्यवस्था की जाती है वो लगभग 8 महीने से यानी चारा की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे गायों की बहुत बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है। गाय रोजाना कई गाय खत्म हो रही है इस कारण। इस विषय पे आज कलेक्टर सर और एसपी सर को ज्ञापन दिया गया। क्या लगता है ऐसे पर? अब उनको होश आएगा कि नहीं आएगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उनको एक बार बताना चाहते कि धमतरी जिले में गौ माता की बहुत बुरी स्थिति है। इस विषय पे आप मुख्यमंत्री जी द्वारा नरवा गरवा करके एक अभियान चलाया गया, उस अभियान के तहत कुछ करके यानी कोई बेहतर स्थिति यहाँ लाया जाए गायों के लिए, यानी तस्करी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा नहर किनारों में लगवाने का आश्वासन दिया गया है और जल्द से जल्द सभी गौशाला में चारों की व्यवस्था करवाने की बात कही गई है कलेक्टर सर द्वारा। यानी वही विलुप्त प्रजाति है गाय फिर आने वाले समय में रायपुर में, यानी इसका उग्र प्रदर्शन जल्द किया जाना है बड़ी स्थिति में, जिसमें 5 से 6 हज़ार की संख्या में गौ भक्त वहाँ पहुँचेंगे और गौ आयोग जो अभी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उसे इस विषय पर ध्यान देने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा रायपुर में बड़ी स्थिति में। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।